Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Happy Singh Urf Akshay Kumar. We're here for you only. Itna intezar karaya hai. They will be here. They will answer your questions. I love the way they all stood for the king. Up till now, we were clapping politely, sitting, smiling at everyone, but they stood for the king. Thank you, Akshay, for joining us. Sabse pehla sawal, how happy are you to be Happy Singh? Well, I'm very happy. Main aaj idhar aaya hoon, and I'm going to tell you all ki 13 ladkiyon ne bhag liya hai. अब देखना ये है कि इसमें कौन जीतेगा, पूजा बेदी या नहीं. ये सॉरी ये गलत फंक्शन. एक मिनट सॉरी, ये रात का फंक्शन है. एक मिनट, रात का फंक्शन है. सॉरी, सिंग इज किंग. हाँ जी, सॉरी, अभी पूछिए. सिंग इज किंग. हाँ, इतने सारे फंक्शंस कर रहा हूँ. नो, वी विल इरेज दैट पार्ट. सॉरी, इरेज. देखा आपने कैसे ये खड़े हुए फॉर द किंग. इससे पहले ऑफ कोर्स दे वर सिटिंग क्लैपिंग पोलाइटली. दिस इज ऑफ कोर्स अक्षय कुमार. अक्षय, सबसे पहला सवाल जी, हाउ हैप्पी आर यू टू बी हैप्पी सिंह? सिंह इज किंग. हैप्पी. ओके, या आई एम वेरी हैप्पी टू प्ले हैप्पी सिंह बिकॉज दैट्स मी एंड दैट कैरेक्टर वॉज. आई थिंक अनीस जी के पास मैं रोज जाता था, उनके पास बैठता था, उनको अपने बारे में बताता था मैं कि मैं कितना खुश मिजाज आदमी हूँ. और उसको देखते देखते उन्होंने ये कहानी लिखी. और मुझे बल्कि एक महीने उनके घर जाना पड़ा और अपना रोज़ बैठ के उनके साथ बातें करने लगी, तब जाके उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी. अनीस जी, हाथ ऊपर कर लीजिए. हाँ जी, वो अनीस जी हैं. और उस हिसाब से उन्होंने फिर हैप्पी सिंह करके एक मेरे ऊपर लिखी. तो आज इसलिए आपके सामने सिंह इज किंग है. And of course, Singh is King, जो टाइटल है वो आप ही ने ढूंढा है. जी हाँ, मैंने ट्रक के पीछे लिखा हुआ था सिंह इज किंग. तो आई रियली लाइक दैट टाइटल एंड आई कॉल्ड अप विपुल एक्चुअली एंड आई सेड, विपुल जी हम एक फिल्म बनाते हैं सिंह इज किंग. तो उन्होंने बोला कहानी, बोले मुझे नहीं पता, बोले डायरेक्टर मैं नहीं जानता, लेकिन कहानी ये टाइटल मिल गया है सिंह इज किंग. और मैं जानता हूँ कि बड़ा ही खुश मिजाज आदमी होना चाहिए, तब उसे ले जाके फिर ये कहानी बनी. कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है. जी बिल्कुल, टाइटल सबसे पहले हमें मिल गया, व्हिच इज फैंटास्टिक. अच्छा, हैप्पी सिंह इज हैप्पी ऑफ कोर्स. हाउ हैप्पी इज अक्षय कुमार टुडे? वेल, आई एम वेरी हैप्पी द वे हाउ थिंग्स आर गोइंग. आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई केम इन दिस लाइन आल्सो बिकॉज़ फॉर मी अपने आप को पर्दे पर देख के, अपने माता पिता को देखते हुए कि वो मुझे पर्दे पर देखते हैं, I was very happy then also and I'm very happy today also. आजकल considering everybody is like, oh my God, he is the king and he is a rock star. How do you stay yourself? How do you stay like this? Well, I would not say that I am a king because king जो title होता है वो बहुत ही भारी title होता है. To me, अगर कोई अगर मुझे ये पूछे, आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर मुझसे ये पूछे कि इस इंडस्ट्री का किंग कौन है, तो आई वुड जस्ट से अ मैन हु हैज बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, 35-40 इयर्स, दैट्स मिस्टर अमिताभ बच्चन. टू मी ही इज द किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री. आई थिंक एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी एग्रीज विद इट, दैट्स व्हाई दे क्लैपिंग. बिकॉज बाकी तो सब हम लोग सब बोलते रहते हैं हम कोई किंग नहीं है, हमें तो 15-16 साल हुए इस इंडस्ट्री में आए हुए, ये तो एक टाइटल है सिंग इज किंग, ऐसे कोई किंग नहीं है. Mr. Amitabh Bachchan is the king of this industry and he will always remain that. I believe aap mante hain ki being a king is all about having the right attitude and a king size attitude hota hai. Jee. To be a king. To be a king, you don't need power or money or anything. You just need a positive attitude towards everybody and whatever you do, I think that's what makes you king.